लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। कुछ याद आया? वैसे याद करने की जरूरत तो उनको पड़ती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। जो दिल में बसे हों वो तो हमेशा जहन में रहते हैं, और ऐसा ही एक नाम है साधना का, जिनकी जिंदगी की शुरुआत तो बहुत हसीन और खूबसूरत थी, एक महकते हुए खिलखिलाते हुए फूल की तरह, लेकिन अंजाम जिंदगी का बहुत बुरा हुआ, एक मुरझाए हुए फूल की तरह। आज कलाकार और किस्से में हम बात करेंगे इसी मशहूर अदाकारा की, साधना की। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का शौक था, माथा जरा चौड़ा था तो ऐसा स्टाइल बनाया कि आगे जाकर इनके नाम से ही वो स्टाइल मशहूर हो गया। साधना जी का जन्म 2 सितंबर 1941 में हुआ। एक सिंधी परिवार में जन्मी साधना अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी, इसलिए माँ बाप ने उन्हें बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। उनके पिता ने उनका नाम रखा साधना। ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि उनकी साधना बोस बहुत फेवरेट एक्टर थी। साधना जब बड़ी हो रही थी तो उसी दौरान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, और इसके बाद वो कराची से मुंबई आ गई, क्योंकि साधना जी बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थी। तो उनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए कोशिश की और 1955 की फिल्म श्री 420 के गाने में नजर आई। गाने का नाम था इचक दाना बिचक दाना। ये रोल इतना छोटा था कि साधना पर किसी की नजर नहीं पड़ी। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज के ड्रामा में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इनका टैलेंट ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाया। एक प्रोड्यूसर की नजर इन पर पड़ी और उन्हें 1 रुपए का टोकन अमाउंट देकर सिंधी फिल्म अबाना के लिए साइन कर लिया। और यहाँ पर किस्मत ने एक अलग ही खेल खेला। अबाना फिल्म के प्रमोशन के दौरान इनकी एक फोटो मैगजीन में छपी। तब उस जमाने के बड़े प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी की नजर इस तस्वीर पर पड़ी। मुखर्जी इन्हें फिल्मालय एक्टिंग स्कूल ले गए और अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला में इन्हें लॉन्च किया, जिसे डायरेक्ट किया था आर के नैयर ने। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और फिर साधना ने कभी पलट कर नहीं देखा। चाहे बिमल रॉय के साथ आई फिल्म पर्क हो, देवानंद के साथ आई फिल्म हम दोनों, या फिर राजेंद्र कुमार के साथ आई फिल्म मेरे महबूब हो, हर फिल्म में साधना ने अपनी एक्टिंग में कमाल कर दिया था। राज खोसला के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। फिल्म वो कौन थी को भला कौन भूल सकता है, उस फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे। मदन मोहन साहब का संगीत, लता जी की आवाज, राजा मेहंदी अली खान साहब के बोल और साधना जी का अभिनय, सब कुछ कमाल था। ये भी किस्सा मशहूर रहा कि जब फिल्म मेरे महबूब इन्हें ऑफर की गई, तब साधना जी ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि फिल्म मेरे महबूब को साइन करूं कि नहीं। ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे पूछा कि फिल्म का हीरो कौन है। उन्होंने कहा राजेंद्र कुमार है। तब ऋषिदा ने कहा कि साधना तुम इस फिल्म को जरूर साइन करो, क्योंकि राजेंद्र कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही चुनते हैं और ये फिल्म भी बड़ी कामयाब होगी। ठीक वैसा ही हुआ। साधना ने मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में भी साथ काम किया था। इसी बीच इन्हें थायराइड हो गया और वो इलाज करवाने अमेरिका चली गई। सबको लगा कि अब साधना कभी लौट कर नहीं आएंगी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है, लेकिन वो वापस आई और वापस आकर उन्होंने इंतकाम लिया, यानी फिल्म इंतकाम में काम किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसी के साथ आई फिल्म एक फूल और दो माली और गीता मेरा नाम। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। फिर इसके बाद साधना जी फिल्मों से धीरे धीरे दूर हो गई। उनका कहना था कि मैं सिर्फ बतौर हीरोइन ही फिल्मों में काम करूंगी, किसी भी हालत में चरित्र अभिनेत्री बनकर नजर नहीं आऊंगी। हर हीरो के साथ इनकी जोड़ी खूब हिट रही, चाहे वो शमी कपूर हो, संजय खान, देवानंद, राजेंद्र कुमार या फिर सुनील दत्त। गौर करने वाली बात यह है कि एक्ट्रेस बबीता इनके रिश्तेदार हैं, करीना कपूर और करिश्मा कपूर भी इनके रिश्तेदार ही हैं। साधना पहली बार राज कपूर की फिल्म श्री 420 में बतौर एक कोरस सिंगर नजर आई। फिल्म के सेट पर राज कपूर से उनकी छोटी सी बात पर अनबन हो गई थी और इसके बाद से साधना राज कपूर से नफरत करने लगे थे। शूटिंग के दौरान साधना अपने हेयर स्टाइल पर काफी ध्यान देती थी और ये बात राज कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उन्होंने साधना को मना किया,
लेकिन वो नहीं बानी। इस बात पर राज कपूर को गुस्सा आ गया और राज कपूर ने गुस्से में साधना से कहा वो एक्टिंग छोड़कर शादी कर लें और घर बसा लें। ये सुनकर साधना गुस्से से सेट छोड़कर चली गई। हालांकि बाद में दोनों ने दूल्हा दुल्हन में साथ काम किया था। 60 और 70 के दशक में जहां साधना के दीवानों की कोई कमी नहीं थी, वहीं साधना का दिल अपनी ही फिल्मों के डायरेक्टर आर के नैयर पर आ गया था और बाद में साधना ने आर के नैयर जी से शादी कर ली। दरअसल साधना को अभिनेत्री साधना बनाने में आर के नैयर का बहुत बड़ा हाथ था। वो आर के नैयर ही थे जिन्होंने साधना को उनकी पहली फिल्म में डायरेक्ट किया और उन्हें एक नई पहचान दी। बाद में साधना का हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से मशहूर हुआ था। ये हेयर कट आर के नैयर की एक खोज थी। डायरेक्टर आर के नैयर ने साधना के लुक्स के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया था। आर के नैयर को उस समय की हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ऑड्रे हेपबर्न का हेयर स्टाइल काफी पसंद आया था और फिर उन्होंने नैनीवेली हीरोइन साधना को इसी हेयर कट के साथ सिनेमा के पर्दे पर उतारा। साधना ने टाइट चूड़ीदार कुर्ता और सलवार कमीज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी, जो 70 के दशक का फैशन ट्रेंड मार्क भी बना रहा। साधना और आर के नैयर की केमिस्ट्री लाजवाब थी। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते भी थे, तभी तो साधना ने आर के नैयर को अपना हमसफर चुना था। कुछ दिलचस्प किस्से। साधना 30 साल तक आर के नैयर के साथ रही, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि 1995 में आर के नैयर ये दुनिया छोड़कर चले गए और साधना बिल्कुल अकेली रह गई। अकेली इसलिए क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। अपने पति आर के नैयर की मौत के बाद 20 साल तक साधना बिल्कुल अकेली रही। वो कहती थी जिस लड़की के साथ उनका पिता ना हो, भाई ना हो और पति ना हो तो दुनिया उसे बहुत ही खूंखार नजरों से देखती है, बहुत सताती है, बहुत रुलाती है और बहुत तड़पाती है। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। आखिरी दिनों में साधना बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और बहुत परेशान रहने लगी थी। परेशानी की वजह ये थी कि जिस घर में वो रहती थी उस घर पर मुकदमा चल रहा था। रोज रोज पुलिस के और अदालत के चक्कर लगाने पड़ते थे और वो भी बीमारी की हालत में। साधना की जिंदगी में उनके पति आर के नैयर उनके सपनों के राजकुमार बनकर आए थे, आए भी और चले भी गए। सुंदर सपना टूट गया और साधना बिल्कुल टूट गई। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद साधना जी फिल्मों की तरफ नहीं लौटी। हालांकि इनकी इच्छा बतौर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिल्मों से जुड़ने की भी थी। आपको बता दें इनको कोई भी अवार्ड से नवाजा नहीं गया, लेकिन साल 2002 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यकीनन साधना जी का अभिनय, इनकी मुस्कुराहट, इनके जज्बाती सीन, इनका डांस, सब कुछ शानदार रहा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में साधना जी जैसे ना कोई थी और ना कोई होंगी। 25 दिसंबर साल 2015 में साधना ये दुनिया छोड़कर चली गई और फिल्मी गुलशन का एक महकता हुआ फूल, खिलखिलाता हुआ फूल मुरझा गया, लेकिन वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी।